हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग घर परिवार में एकदम खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो है, बहुत सारे भाई लोग ने कमेंट कर रहे हैं कि भाई कौन सा महीना में तीतर की बच्चे निकलते हैं और मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत भाई लोग ने कह रहे थे, तो दोस्तों हमने सोचा कि भाई उन लोग को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग तमिलनाडु से हैं या कर्नाटक जो होते हैं उधर से हैं या फिर गुजरात से हैं, तो थोड़ी सी थोड़ा दूसरे दूसरे देशों में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ऐसा नहीं कि हमारे झारखंड देशों में और जल्दी जैसे कि तीतर के बच्चे जो है मिलेंगे आप लोग को, ये मार्च का समय में मिलते हैं, जो मार्च से शुरू होगा होली के महीना में, उस समय अंडा पारने के लिए मैदान तीतर बैठते हैं, तो उस समय भी मार्च में मिलने का चांस रहता है तीतर के बच्चे का। लेकिन फिर मार्च के बाद अप्रैल में पूरा तीतर के बच्चे मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जैसे कि झारखंड में हो गया, लेकिन जब तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर जो है आपको मार्च को देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जो है आपको साल में मकी तीतर की बच्चा एक ही बार अंडा देते हैं, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई दो बार मिलता है, साल में तीतर की अंडा एक ही बार देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसलिए आप लोग जान लें। तो ऐसा होता है कि तो इसलिए कर्नाटक हो गया, अलग अलग देशों में जो है थोड़ी सी कुछ अलग चेंजिंग में होता है, लेकिन हमारे जो झारखंड के अगर आप लोग देख रहे हैं तो बच्चा जो है आपको मार्च अप्रैल में मिलने का, अप्रैल में पूरा चांस रहेगा और मार्च में जो है आपको कम चांस रहेगा। तो दोस्तों आपकी जो है आप बोलेंगे कि भाई तीतर के बच्चा तो आप लोग बता ही दिए, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ, जंगल जाएंगे जब हम लोग, तो तीतर के बच्चा को हम लोग अगर तीतर के साथ वहाँ आवाज़ देंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि वहाँ पर तीतर है कि नहीं है। तो भाई ये बहुत बेस्ट आप लोग ने इस क्वेश्चन बोले हैं कि भाई हम लोग जंगल जाएंगे तो बहुत सारे तीतर आवाज़ देंगे, तो हम लोग कौन सा तीतर के पास जाएंगे जो हमारे उस तीतर के पास एकदम तीतर की बच्चे होना चाहिए। तो दोस्तों हम आप लोग को उस चीज़ को भी बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग को हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग तीतर के बच्चा को जब अगर पालते नहीं है, उससे पहले अगर आप लोग नहीं पाले हैं तो नहीं पाले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग और अगर पालने के लिए लाए हैं तो बहुत सारे वीडियो हम बनाए हैं आप लोग के लिए कि तीतर के बच्चे को किस तरह से पालना चाहिए, कैसे खुराक देना चाहिए और किस तरह से पालना चाहिए ताकि जो है उसकी जान सुरक्षित रहे और वो अच्छे से बढ़े, अच्छे से आवाज़ दे और उसकी कोई मतलब कि मृत्यु होने का चांस ना रहे। ऐसा बहुत सारे वीडियो हम बनाएं, तो हमारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाके प्रोफाइल में। तो दोस्तों हम आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए कि अगर हम लोग जंगल मान लिया चले गए, बहुत सारे तीतर आवाज़ दे रहे हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं दिमाग में कि भाई वो तीतर के पास बच्चा है कि वो तीतर की बच्चा है कि उस तीतर के बच्चा है। मान लिया चलिए हम लोग दौड़ के चला गए वहाँ पर ढूंढने के लिए, तो तीतर लोग उड़ गए। अब उड़ने के बाद में मान लीजिए उसके बच्चा भी है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई बच्चा बड़ा तो है तो उसका पंख तो उड़ जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे जल्दी नहीं उड़ते हैं, तो भाई हम लोग उस तरह में कैसे जाने। तो दोस्तों बात यही है कि अगर जिसके तीतर के बच्चे होते हैं वो तीतर ज़्यादा तेज़ी से जंगल में आवाज़ नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी बच्चा रहते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम आवाज़ देंगे तो दूसरे तीतर हमारे पास लड़ने के लिए आएंगे तो हमारे बच्चे को नोच देंगे, इसके लिए डर के मारे वो तीतर जंगली तीतर के बच्चे जो होते हैं वो लोग कम थोड़ा आवाज़ देते हैं, और आवाज़ देते भी हैं तो कुछ थोड़ी सी वो किरू 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 आवाज़ देते हैं, और नहीं तो फिर देखिए इस तरह का कभी कभी करते हैं वो लोग, करते रहते हैं, इसलिए करते हैं कि बच्चे लोग जब बिछड़ जाते हैं इधर उधर थोड़ा बहुत, जिसके मान लीजिए मम्मी पापा दो जन है नर मेदा, तो नर उधर चला गया तो बच्चे कुछ उधर चले गए, तो वो लोग खाली बुलावट होते हैं, तो उस समय अगर हम लोग सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये भाई तीतर के बच्चे शायद इसके पास हैं। और एक चीज़ है कि दोस्तों जिसके तीतर के मान लीजिए जा रहे हैं तो तीतर वहाँ आवाज़ दे रहे हैं, हम लोग दौड़ के चले गए तो वो तीतर जल्दी उड़ता नहीं है दोस्तों, जिसके बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि वो दौड़ते हैं, गड़गड़ पूरा दौड़ेंगे और एकदम लगेंगे कि हम लोग उसको पकड़ लेंगे, इस तरह का दौड़ते हैं, और दौड़ने के बाद कुछ ही दूरी जाने के बाद वो लोग फिर ऊपर के साथ उड़े जाते हैं। तो मान लिया वहीं पर बच्चा मिलने का पूरा चांस रहेगा, कि समझ जाएंगे इसके पास बच्चा है, तब तो ये थोड़ा सा आगे जाके उड़ा, ये हो गया दोस्तों। और भी रीजन बहुत सारे हैं, और जिसके तीतर होते हैं तो
जंगली जो अति होते हैं सियार वगैरह लुंगड़ी वगैरह होते हैं और बहुत सारे कुत्ता भी होते हैं जो जंगल में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों उनमें से मैं तीतर को जब देखते हैं, जब तीतर जब उस लुंगड़ी को देख लेता है तो तीतर जो है क्या करता है, छिर 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 ऐसा टाइप का वो लोग थोड़ी सी आवाज देते हैं ताकि वो लोग अपने बच्चे को सावधान करते हैं, दबरने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे आवाज देते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी, अगर हमारे वीडियो जिस चीज बता रहे भाई, अगर आप लोग देख रहे हैं सीरियल से, अगर हमारे पास सच है तो प्लीज यार एक लाइक ठोक के जरूर जाइएगा ताकि हमको वीडियो बनाने में पूरा एनर्जी आए, अगर हम आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, हम एक भाई आप लोग को हैं जो हम अच्छे अच्छे वीडियो प्रचार देते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आवाज देंगे तो उससे भी हमको पता चलेगा कि यहाँ पर तीतर है, लेकिन जिसका भी नहीं भी होते हैं वो भी अगर लुंगड़ी को देखते हैं तो करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीतर उस टाइप में ज्यादा चिड़चिड़ाहट देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, और आप लोग जैसे कि मान लीजिए खेत हो गया, खेत में तीतर लोग चर रहे हैं तो आप लोग जब उसको छुप कर देखिएगा तो वहाँ पर आप लोग को दूर से तीतर अगर होंगे बच्चा तो उससे भी आप लोग को दिखाई होगा, दौड़ेंगे इधर उधर सामने में, तो सामने सामने देखिए ध्यान से तो बच्चे निकलते हैं। झाड़ी में अगर तीतर के बच्चा तीतर उड़ गए हैं तो तीतर को आप लोग डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके अगर देखिएगा तो जिंदगी में कभी तीतर नहीं मिलेगा। तो आप लोग को थोड़ा सा थोड़ा इचरना है, झाड़ी सब रहता है, झाड़ी थोड़ा वो घास हो उसमें उससे दबड़ छिपा हुआ रहता है, इतने भयानक छिपते हैं कि भाई वो लोग को हम लोग सामने भी रहेंगे ना तो दिख नहीं पाएंगे, और कलर जो एकदम सेम लगता है उसी तरह। तो दोस्तों तीतर का बच्चा इस तरह का छुपते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आप लोग को इस तरह का बात बताएं, और हम इसलिए बताएं कि बहुत सारे भाई जो हैं तीतर पालने का शौक है और वो लोग तीतर पालते हैं और वो लोग को अच्छे लगते हैं, हम नहीं भी बताएंगे तो वो लोग पालेंगे, लेकिन हम सोचे कि इस वीडियो को बताएंगे ताकि तीतरियों को वो लोग पकड़ेंगे तो उनकी मृत्यु ना हो। हमारे वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे अगर बच्चा पकड़ेंगे तो, कि तीतर को हम लोग बच्चे को कैसे पालेंगे जो हमारे बच्चे अच्छे से बढ़ेंगे, अच्छे से तेजी से आवाज़ देंगे, अच्छे से खाएंगे, और कौन सा खुराक खिलाएंगे जो तीतरों जो हमारे बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। तो दोस्तों और ज़्यादा हमारे हाथों में आवाज़ देंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा वीडियो बनाएं दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिएगा प्रोफाइल में। और अभी तक आप लोग पाले नहीं है तो उस वीडियो को देख के आप लोग तैयारी रहे कि ताकि आप लोग जिस समय बच्चे मिल जाए तो आप लोग कर सकते हैं। तो नए हैं दोस्तों तो एक सब्सक्राइब तो आप लोग को बनता है, इतने आप लोग भाई इतने देर से आप लोग को बताएं और मेहनत करके हम सर्च करके वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, बहुत जाना पड़ता है यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ऐसे हम लोग जगह पे गए हैं और इसे पता किए हैं तब जाके आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं। तो यार लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा जाइएगा। तो चलिए दोस्तों